नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है। नैनीताल की सरोवर नगरी जेल में एक युवक का शव मिलने से मची सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शिनाख्त करने के उपरांत पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल आपको बता दें, शुक्रवार की सुबह नैनी जेल में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। लाश देखने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक की शनाख्त में जुट गई। शाम को एक व्यक्ति ने पुलिस को ठंडी सड़क क्षेत्र से बैग मिलने की सूचना दी। पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उसमें एक मोबाइल, बैंक पासबुक, पर्स और पास में जूते मिले। बंद मोबाइल को चार्ज किया तो उसमें 75 मिस्ड कॉल्स थी। एसओ रमेश बोरा ने बताया कि मृतक की पहचान सौरभ भट्ट, उम्र 36 वर्ष, पुत्र सुरेश चंद भट्ट, निवासी जगत विहार कॉलोनी फेज 2 कुसुम खेड़ा के रूप में हुई है। मृतक अविवाहित था और संविदा कर्मी के रूप में रानी बाग वन विभाग की नर्सरी में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि युवक गुरुवार से लापता था, हालांकि इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागी लाल न्यूज़।